दिवाली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल आपको बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर दिखा रही हूँ, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट। सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी बनने वाला है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बच्चों के लिए स्पेशल हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 बॉइल्ड आलू। आलू को हमने मैश कर लिया है और ये हमने 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहे को हमने 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में भिगो सकते हैं, तो उसमें ज्यादा देर नहीं लगती, साथ के साथ सॉफ्ट हो जाता है। और ये हमने आधा कटोरी लिया है पनीर, क्योंकि हम बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं तो हमने पनीर लिया है। लेकिन जो बच्चे पनीर नहीं खाते उनके लिए आप प्याज भी डाल सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और ये 1 हरी मिर्च काटी है और थोड़ा सा हरा धनिया। ये सब इंग्रेडिएंट बेसिक है, आपके पास घर में ही अवेलेबल होंगे, आप जल्दी से जल्दी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर पोहा मिक्स करेंगे। पोहा डालने से जो नाश्ता है बहुत ही कुरकुरा हो जाता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसके बीच में हमने ऐड कर दिया है पनीर। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया और सब चीज़ों को हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है और एक डो की तरह हमने इसे तैयार कर लेना है। अगर आप फ्लेवर को चेंज करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप बच्चों के मनपसंद मैगी मसाला डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हमने एक डो तैयार कर लिया है। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा कुछ भी आपको लगता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसकी गोल शेप बना रहे हैं क्योंकि गोल शेप बनाना बहुत इजी है, हमें सुबह के टाइम बहुत जल्दी होती है, तो हम ऐसा ही करेंगे जिसमें हम जल्दी से जल्दी इस काम को कर सके और बच्चे भी हमारे खुश हो जाएं। आप देख रहे हैं हमने इसे गोल शेप दे दी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, एक बार हमने इसे पलट दिया है। आप देख रहे हैं कि हमारा नाश्ता जो है बनके तैयार है, गरम तेल के अंदर हमें ज़्यादा देर नहीं लगती और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी। इसी तरह से हम दूसरे पोहा कटलेट्स भी फ्राई कर लेंगे। जितने इजीली आते हैं उतने आप डालें और तेल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल के अंदर नहीं डालना, ये ध्यान रखना आपने। ये भी तैयार हो गए हैं, हमने इसे निकाल लिया है। ये हमारे पोहा पनीर कटलेट्स बनकर तैयार हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लगते हैं। हम इसे टिफ़िन के अंदर भी डाल सकते हैं, आप ब्रेड लेके ब्रेड के अंदर डाल के भी टिफ़िन में दे सकते हैं बच्चों को और हेल्दी भी बहुत है। और अगर आपने स्टार्टर के अंदर सर्व करने हैं, घर में ओकेजन है या वैसे सर्व करने हैं, तो हम सर्विंग प्लेट में इस तरह से डालकर इसे सर्व भी कर सकते हैं। ये हमने इसे सर्विंग प्लेट में डाल दिया है, इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाइक किए जाएंगे क्योंकि ये होते ही बहुत टेस्टी हैं। उम्मीद आपको बहुत पसंद आएंगे, आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।